4 महीने पहले भी मूनलाइट स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। उसी कड़ी के अंदर आज हम अपने स्कूल की तरफ से कैथल सिटी के 50 युवाओं को, जिनके फादर नहीं हैं या BPL परिवार हैं, उनको हम हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करवाएंगे। और इसी कड़ी के अंदर 50 युवा साथियों को इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा करवाएंगे। तो आज का जो विषय है हमारा, इन दोनों डिप्लोमों को लेके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आप साथियों के चैनल के माध्यम से कैथल सिटी के मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ कि मूल लाइट पब्लिक स्कूल के अंदर आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो दोनों डिप्लोमों की मैंने बात रखी है, इन दोनों डिप्लोमों की जो फीस होगी, गवर्नमेंट की जो फीस होगी, वो मूल लाइट स्कूल वे करेगा। लगभग जो हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर का फीस है एक बच्चे की 10,000 रुपये एक साल की। ये सिर्फ कैथल सिटी के लिए है। कैथल सिटी का कोई भी युवा जिसके फादर नहीं है या BPL परिवार से है, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। दूसरे बच्चे करने चाहें तो वो कर सकते हैं, उन बच्चों की फीस लगेगी। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब चुनाव नहीं था, मूनलाइट स्कूल को चलते हुए 2015 में हमने मूनलाइट स्कूल को शुरू किया था। 2015 से लेकर अब 2022 शुरू हो गया है। हर साल हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल हम गरीब बच्चों को वर्दी वितरित करते हैं और लगभग 50 से 60 बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। राजनीति बाद में है, शिक्षा पहले है। ID प्रूफ के अंदर बच्चा अपनी 2 कॉपी 10वीं की लेके आएगा और 2 कॉपी आधार कार्ड की, 4 फोटो और फैमिली ID। आप घोषणाएं कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव के लिए, आप टिकट की मांग कर रहे हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो आपका क्या मकसद रहेगा और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो? नगर परिषद का जो चुनाव है, नगर परिषद की जो यहाँ पे सीट है वो महिला के लिए रिजर्व है। हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही है और उन्होंने मुझे फाइनल कहा है कि पालाराम जी, हम अब की बारी टिकट आपको देंगे, क्योंकि पीछे विधानसभा के अंदर भी मैं विधानसभा की टिकट मांग रहा था, मुझे टिकट नहीं मिली थी। तो नगर परिषद की जो टिकट है वो अब की बारी हमें 101% मिलेगी। नेताओं से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है और हमारी पूरी तैयारी है। नगर परिषद की अगर भगवान जी के आशीर्वाद से, आप सभी भाइयों के और शहर के सहयोग से हमें जिम्मेवारी मिलती है, नगर परिषद के अंदर जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं नगर परिषद के अंदर काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से नगर परिषद के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी भर्ती नहीं हुई है। 1990 के अंदर डॉक्टर मेहर सिंह सैनी जी नगर पालिका होती थी, उस टाइम नगर पालिका के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने हाथों से 90 कर्मचारियों को परमानेंट लगाया था। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हमें नगर परिषद की जिम्मेवारी मिलती है तो हम सबसे पहले जो हमारा मुद्दा रहेगा कि नगर पालिका के अंदर पक्के कर्मचारियों को भर्ती करके हम अपने शहर की जो सफाई है उसको दुरुस्त रखेंगे।